नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टोरी वाला रेडियो में। अयोध्या की बाबरी मस्जिद में नवंबर 1858 में घुसकर कुछ समय तक वहां पूजा पाठ और हवन करने वाले निहंग सिखों के वंशज अब राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर लंगर चलाएंगे। निहंग सिखों की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने कहा कि वह अयोध्या में लंगर लगाकर भगवान राम के प्रति अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा हरजीत सिंह ने कहा कि अब जब 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो मैं कैसे पीछे रह सकता। उन्होंने कहा कि वह निहंग सिखों के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में लंगर चलाएंगे और देश विदेश से आने वाले भक्तों की सेवा करेंगे। दस्तावेजों के मुताबिक नवंबर 1858 में निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 25 निहंग सिख अयोध्या में बाबरी मस्जिद में घुस गए थे और उसमें हवन किया था। इसके अलावा निहंगों ने मस्जिद की दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था और भगवा झंडा फहराया था। इसके बाद बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन की शिकायत के बाद 30 नवंबर 1858 को अवध पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी ने 25 निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस घटना ने 9 नवंबर 2019 को सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 1858 में घटी इस घटना का भी जिक्र किया था। निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के परिवार के 8वें वंशज जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नवंबर 1858 में अवध के थानेदार शीतल दुबे की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। बाबा हरजीत सिंह ने कहा कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और मैं केवल सनातन परंपराओं का वाहक हूँ। निहंगों और सनातन धर्म के बीच सद्भाव बनाए रखने के दौरान मुझे आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ मैं अमृतधारी सिख हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ। दोस्तों, अयोध्या और निहंग सिखों की कहानी जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।